भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से डायरेक्टर्स हैं जो एक्टर्स के सामने फिल्म शुरू करने से पहले कुछ शर्तें रखते हैं। अब ऐसा ही एक किस्सा काफी पहले के टाइम से सामने आया है और ये किस्सा किशोर कुमार के समय का है। जी हाँ, किशोर कुमार शुरू से ही एक बहुत ही अद्भुत चीज रहे हैं। उन्होंने अभिनेता बनने के लिए काफी बड़े पापड़ बेले थे। उन कड़वे अनुभवों का बदला उन्होंने गिन गिन कर लिया और लोगों को उन्होंने इसकी पहले ही चेतावनी दे दी थी। दरअसल ये किस्सा बीआर चोपड़ा और किशोर कुमार के बीच का है। बीआर चोपड़ा से गांगुली परिवार के बड़े ही अच्छे संबंध रहे हैं। अशोक कुमार और चोपड़ा का बहुत शुरू में ही साथ हो गया था और इसी रिलेशन से किशोर कुमार चोपड़ा के पास ब्रेक लेने के लिए गए थे। अब चोपड़ा जी ने काम देने की हामी तो भरी, लेकिन उनके सामने साथ में कुछ शर्तें रख दी और किशोर कुमार को ये शर्तें काफी ज्यादा बुरी लगी और उन्होंने उन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और इसके बदले में चोपड़ा जी से कहा कि ठीक है, आज मैं काम मांगने आया हूँ और आप काम मत दीजिए, लेकिन कल जब भी मेरा टाइम आएगा और आप कभी जरूरत पड़ने पर मेरे पास आ गए तो मेरी मर्जी के मुताबिक अजीजी करेंगे, तभी आपको फिल्म स्वीकार करूंगा। अब ये बात जैसे आई वैसे ही गई। ये बात चोपड़ा जी के दिमाग से तो हाथों हाथ ही मिट गई थी, लेकिन किशोर कुमार इसको बिल्कुल भी नहीं भूले। जी हाँ, अपनी एक फिल्म के लिए चोपड़ा को किशोर कुमार की जरूरत आ पड़ी। अब चोपड़ा ने किशोर को साइन करना चाहा तो किशोर कुमार ने उनके सामने अपनी शर्तें रख दी और किशोर कुमार को ये याद था कि चोपड़ा ने उनसे किस तरह से उनके बुरे दिनों में हेकड़ी दिखाई थी। अब चोपड़ा ने सीधे ये बातें सुनकर अशोक कुमार के घर की राह पकड़ ली। अब अशोक कुमार ने चोपड़ा जी को पसीने से सराबोर देखकर काफी हैरानी हुई तो उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, ये क्या हालत बना रखी है, जरा दम तो लेने दो। चोपड़ा जी ने जवाब में कहा, उन्होंने आगे कहा कि मैं अपनी नई फिल्म में किशोर कुमार को लेना चाहता हूँ। इसके जवाब में अशोक कुमार ने कहा कि हाँ हाँ, तुमने मुझसे इसका जिक्र किया था, मैंने किशोर से तुम्हारे लिए बात भी की थी और वो काम करने के लिए राजी था। जिसके बाद चोपड़ा ने घबराई हुई आवाज में आंसर दिया कि हाँ, वो राजी तो है, लेकिन उसके साथ ही उसने कुछ शर्तें भी रखी हैं। और फिर चोपड़ा जी ने अशोक कुमार को किशोर कुमार की शर्तें सुनाई तो दादा मुनि उनकी शर्तें सुनकर हंस पड़े और तुरंत ही किशोर को फोन मिला बैठे, जहां पर अशोक कुमार ने किशोर से कहा कि क्यों, क्या तुमने चोपड़ा जी की फिल्म में काम नहीं करना? तो किशोर ने कहा कि मना किसने किया है। जिसके बदले में दादा मुनि ने उन्हें प्यार से डांटा और कहा, तो फिर ऐसी अजीब शर्तें रखकर उन्हें परेशान क्यों कर रहे हो? अब इसके जवाब में किशोर ने कहा कि इसमें परेशानी की आखिर क्या बात है, हर निर्माता कलाकारों के सामने शर्तें रख कर बातें करता है, तो आखिर हम क्यों शर्तें नहीं रख सकते? जिसके जवाब में दादा मुनि ने कहा कि फिर ऐसी विचित्र शर्तें क्यों रखनी है? जिसके बाद किशोर कुमार ने एक ऐसा जवाब दिया कि अपनी अपनी मर्जी है, अगर चोपड़ा जी को शर्तें मंजूर हो तो मेरे पास भेज दे, मैं एग्रीमेंट साइन कर दूंगा। जिसके बाद उन्होंने फोन रख दिया। अब दादा मुनि किशोर कुमार के बिहेवियर से काफी वाकिफ थे और उन्होंने चोपड़ा जी से कहा, क्या वाकई किशोर को साइन करने के सिलसिले में संजीदा है? अब इसके बदले में चोपड़ा जी ने कहा कि अरे, इतना कि उसके बिना फिल्म बन ही नहीं सकती। अब दादा मुनि ने यह बात सुनकर यहाँ पर बिल्कुल ही हथियार डाल दिए और उनसे कहा कि तब तो किशोर कुमार की शर्तें माननी ही पड़ेंगी, मेरा कहा वो मान लेगा ऐसा लगता नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर किशोर कुमार ने चोपड़ा जी के सामने क्या शर्तें रखी थी। दरअसल किशोर कुमार की शर्त थी कि चोपड़ा जी को धोती पहनने के बाद पैरों में मोजे और जूते पहनने होंगे और पान को इस तरह
खाना होगा कि उनके मुंह से लार टपकती हुई नजर आए, जिससे उनका मुंह बिल्कुल लाल हो जाए। अब मजे की बात ये है कि चोपड़ा जी कभी भी धोती नहीं पहनते थे और ना ही उन्होंने अपने जीवन में कभी धोती पहनी थी, और धोती पर मोजे और बूट तो वैसे भी अच्छे नहीं लगते। सिर्फ यही नहीं, चोपड़ा जी कभी पान भी नहीं खाते थे और यहाँ पान खाकर मुंह से लार भी टपकानी थी और फिर टेबल पर खड़े होकर किशोर के सामने हाथ जोड़कर फिल्म साइन करने की विनती करनी थी। अब चोपड़ा जी ने किशोर कुमार की शर्तें तो मान ली थी। जी हाँ, चोपड़ा जी ने किशोर को साइन करने के लिए ये सब कुछ मेकअप के सहारे किया और तब जाकर किशोर कुमार का इंतकाम आखिरकार पूरा हुआ। अब इस किस्से से ये मालूम पड़ रहा है कि हर इंतकाम खराब नहीं होता, और किशोर कुमार का ये मजेदार इंतकाम काफी ज्यादा सुनने लायक था। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग किस्से और कहानियां जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कर, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।